I'm with the winning gang right now who have won 2 times in a row. कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि जीतना चाहिए इनको, ठीक है, और अभी धीरे धीरे ट्रैक पे आ रहे हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पहले एकदम प्रेशर में थे कि अगर हम जीतेंगे भी तब भी हमसे जाएंगे, अगर हम कैसे वो परफॉर्मेंस में दिख रहा था इनकी तो डर हो गया था। मैंने इनको बोला कि वो छोड़ दो सोचना कि कौन जाएगा कौन रहेगा, तुम सिर्फ अपना बेस्ट खेलो। और मेरे को लगता है जब एक टीम ऐसी होती है स्टार्टिंग में हार रही है और दूसरे उनको हल्का ले लेते हैं और फिर वो जीतना शुरू करते हैं, फिर उनकी जर्नी अगर वो जीत जाएँ तो बहुत बेस्ट होती है। मैं जीत है ना, हार की हारी बाजी को जीतने वाले को बाजीगर बोलते हैं ना, बाजीगर उनके निकलना, ठीक है ना। मैं तुम्हें फिर भी बोलता हूँ भाई, सिर्फ इस मोमेंट को एंजॉय करो, ठीक है, प्रेशर मत लिया करो, टास्क ना हमेशा फोकस होकर करना पड़ता है वरना टास्क हार जाते हैं, ठीक है। तो इस मोमेंट को जियो, रोडीज दोबारा नहीं मिलेगा, जाकर आराम से चिल मारो, ये करो, सुगंध तो आ रही है पीछे से काफी, पंगे लेता है उसको फिर। वो क्या रहा है प्रेम के साथ, पहले गोबर फिर अंडा, वो कह रहा है मैं रूटीन में आया इस बार, ये था कि मैं अलग एक्सपीरियंस लेके मेरा शुद्धिकरण हो रहा है। वाशु की परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ी बात करते हैं। वाशु ने स्टार्टिंग में थोड़ा सा फिर से वही कर दिया था, मेरे को लग रहा अभी पंच मारू जाके, फिर धीरे धीरे वो ट्रैक पे आ गया। जब मैं दोबारा बताने जा रहा था इनको कि ये मत करो ये करो ये करो, क्योंकि सी गौतम बीच में पूछ रहा था कि जिसका एंड में 3 जब हो चुके थे राउंड, जिसके एंड में अंडे ज़्यादा होंगे वही जीतेगा ना, उसको पता ही था कि जेरे अंडे टूट रहे हैं वो 6 पॉइंट कट रहे हैं, ठीक है ना, वो भी बचाना है या तुझे किसी और के तोड़ने ताकि तू एटलीस्ट उस पर हो। वो तो क्योंकि मैंने उनके 5 अंडे फोड़े तो वो सेकेंड आए, ठीक है, तो नहीं तो वो रहम खा लिया आपने थोड़ा। नहीं एक्चुअली मैंने गौतम की गैंग को इसे चैलेंज किया था क्योंकि मुझे पता था कि रिया गौतम से स्मार्ट खेलेगी टास्क में, ठीक है, और उसको गौतम के अगेंस्ट भेजा था कि ऐसा था नहीं कि वो भी कहेगी मैं हार जाती हूँ चल मैं नहीं कर रही हूँ, तो उसने किया और मैंने रिया गैंग उठाया क्योंकि रिया के गैंग में सबसे ज़्यादा लोग हैं, तो मुझे था कि अगर ये थर्ड आते हैं तो शायद इनको थोड़ा बढ़िया हो जाएगा इनके लिए। जैसे आज रात वोट आउट भी है, मेरा तो काम होगा ही ना रात में भी, कल वोट आउट भी है, ठीक है, आप लोग फिर भी नंबर्स में कम हो, आपका अभी किसी के साथ अलायंस नहीं है, तो आप अभी सोच रहे हो कि अलायंस बनाया जाए? नहीं, अलायंस अगर मेरे को बनाना होता तो स्टार्टिंग में बना था इनका, तो मैं इनको तोड़वाता क्यों? तुम शाइन नहीं कर सकते कभी भी अगर तुम सिर्फ अलायंस में खेलते हो। अगर हाँ, 4 गैंग होते हैं जैसे हम पहले सीजन में होते थे तो 2-2 की अलायंस होती थी तो मजा आता था, कभी इधर से जाता था कभी इधर से जाता था, 3 में तो अलायंस का फायदा ही नहीं है, पर वो मूर्ख हैं, उनको एक दूसरे की जरूरत चाहिए नहीं तो वो शो में बहुत जल्दी बाहर हो जाते, ठीक है, उनको हेल्प चाहिए दूसरे की, ताकि वो यहाँ पर रह पाए। सो यस, आज के टास्क में आप लोग इम्यूनिटीज नहीं जीते हो, रोडियम्स जीते हो जी, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं फिर भी आपकी गैंग अनसेफ रहेगी वोट आउट में? बिल्कुल, अभी कल है, कल भी इनको जीतना ही है, बट ठीक है कोई बात नहीं, ये रोडियम्स वाले इतने मूर्ख नहीं है जो हमारे बोले कि इतना इजी कर देंगे सबके लिए, ठीक है, ट्विस्टन तो आते हैं और क्या पता अभी वोट आउट में कौन कैसे वोट आउट होगा ये नहीं पता, हम थोड़ी यहाँ से बता सकते हैं, ऐसा नहीं होगा कि जो सोच रहे हैं वही होगा, है ना, तो अगर ऐसा होता तो फिर तो हम गेम खेल ही क्यों रहे हैं, सिर्फ घर जाके बैठ जाते हैं, उनको बोलते जाओ बेटा तुम मेहनत भी कर रहे हो, तुम जाओ घर चल जाओ क्योंकि वो 20 है तुम 6 हो, तो वो नहीं है, ठीक है ना, कभी कभी हमसे जाएंगे और ये तो गेम का हुआ है ना पार्ट है यार। मतलब जीत के कैसा लग रहा है आपको? जीतते ही जा रहे हो, आदत हो गई वापस? सी, जब मैं एज ए कंटेस्टेंट खेलता था ना तो वो जीत का मज़ा मैं ले पाता था, अभी जीत का मज़ा इनको लेना है, ठीक है ना, कि मैंने बोला कि बस ये जीत की आदत डालो, इसको मैं में मत बदलो, ठीक है ना, सिर्फ आदत डालो कि भाई हम अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करते रहेंगे, क्योंकि जो जीतने के बाद फील होता है वो जो फीलिंग आती है ना तो वो तुम्हें और बूस्ट करती है अगली बार भी दोबारा जीतने, ठीक है ना, तो अभी तुम 3 टास्क जीत चुके हो और वो महारथी भी 3-4 ही जीते हैं सारे, अभी कोई ऐसा नहीं है कि तुम ऐसा हो गए हो, और वो स्टार्टिंग में जो हम टास्क आ रहे हैं उसमें हमारी स्ट्रॉन्ग इसलिए निकाल दी क्योंकि उनको पता था अगर वो होंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, अगर वो हम छोड़ देंगे तो कोई बात नहीं, अभी तुम थोड़ा स्मार्टली खेलो, अगर वो अग्रेसिव खेलते हैं तुम प्यार से करके उनकी मारो और उनको एक्सपोज करो। बट अब देखो प्रिंस सर की गैंग को तो आदत हो गई है जीतने की, मुझे लग रहा है थोड़ी गेम चेंज होगी। सी, गेम चेंज हो सकती है, गेम का मज़ा ये है कि मैं लाना चाहता हूँ गेम में मज़ा कि तीनों लाइंस जब अलग अलग खेलें और फिर हो, पर वो गौतम और रिया फट्टू उनका कंपटीशन सिर्फ मुझसे ही चल रहा है, ठीक है, कि हाँ मेरे को हराना है, मेरे को हरा के पता नहीं जिंदगी में तुम कहाँ चल जाओगे भाई, और गौतम को देखे तो मेरे को लगता नहीं है कि अगला साल डिजर्व करता है, सॉरी कि मतलब तुम अगर एक गेम को अच्छा नहीं कर रहे हो तो तुम उसे बुरा भी मत करो, गेम तो अगले साल में लोग नए तब आएंगे, हमारा क्रू भी तब आएगा जब शो हिट होगा, और शो हिट तब होता है जब शो में ट्विस्ट टर्न होते हैं और ऐसा होता है कि कुछ भी ऑब्वियस नहीं है, तुम ऑब्वियस गेम खेलोगे, यस ऑब्वियस गेम खेलोगे तो लोग भी टीवी बंद कर देंगे, ठीक है, हम हर साल इतने साल खेलते आए हैं तो हम ऐसे ही खेलते थे, अलाइंस भी अगर होती थी 2-2 की होती थी तो अभी हमें खुद नहीं पता होता था कि आज कौन जाने वाला है, चाहे हमारी 2 की अलाइंस होती थी वो होती थी गेम,
अभी तो देखा आज टास हारने के बाद वो दोनों फिर चले गए कि हमारा गैंग अलग तो नहीं हो गया, हमारा गैंग अलग तो नहीं हो गया, हाथ पकड़ो, हाथ मिलाओ, भाई बहन राखी बांधो, ये नहीं करना है यार। शो में आया हो, शो की तरह खेलो ना, मजा करो, ठीक है। आज तो सेलिब्रेट करना बनता है, सेलिब्रेट करेंगे ना, क्या क्या करोगे आज सेलिब्रेट करने के लिए? प्रोटीन पिएंगे, पहलवान टी-शर्ट भी आ जाएंगी, चलो अब तो गेम पलटने वाली है। जिस हिसाब से प्रिंस सर को आदत हो गई है जीतने की, बट आप लोग देखते रहिए टैग एमटीवी रोडीज करम या कांड, और मैं हूँ आपकी इनसाइडर। यस, और मैं हूँ नाम तो मैं हूँ इसका भी गैंग लीडर और हम इनसाइडर। श्रेया साइनिंग ऑफ, बाय बाय गाइस, ओके गाइस, टेक केयर।